हैं, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आर नॉट। तो नेक्स्ट डे वी हैड ए मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ऑल द हेल्थ मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ ऑल स्टेट्स वर अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। इवन ICMR भी वहाँ थी और ऑल द स्टेक होल्डर्स जो वैक्सीन बनाते हैं वो लोग भी वहाँ थे, स्टेक होल्डर्स वर देयर। तो टू स्टार्ट विद सम मैं कुछ डेटा दूंगा कि कोविड का जो कहते हैं एक वेरियंट है, ओमिक्रॉन का एक वेरियंट है JN1, उसके कुछ केसेस वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं। तो पहला केस केरला में आया, एज यूजुअल पहला को याद होगा कोविड भी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था बिकॉज प्रॉब्ली दे ट्रेवल मोर फ्रॉम गल्फ एंड अदर प्लेसेस। एंड टिल डे बिफोर यस्टरडे द डेटा शोड दैट देर आर अबाउट 3,000 केसेज ऑफ ओमिक्रॉन वेरियंट ऑफ COVID-19 JN1। माई अदर एक्सपर्ट्स विल रादर थ्रो मोर लाइट ऑन दिस, इफ आई एम रॉन्ग दे विल रेक्टिफाई मी, इन द कंट्री। एंड मोस्ट ऑफ दैम 95% वर रिस्ट्रिक्टेड टू द साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री। केरला में थे अबाउट 2,000 केसेज, कर्नाटका में को 800, महाराष्ट्र में 40-50, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में। बट जैसा ये सोचा गया कि ऐसा नहीं होता कि बड़ी जल्दी ग्रो करेंगे बिकॉज फेस्टिवल सीजन कमिंग, न्यू ईयर आ रहा है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो बड़ी जल्दी क्रिस क्रॉस होकर पूरी कंट्री में ये फैल जाता है। तो उसी पोजीशन को लेके इट वाज डिसाइडेड व्हाई वी शुड बी, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट आर नॉट, और हाउ दिस वेरिएंट इज गोइंग टू बिहेव फॉर फ्यूचर। तो सो फार जो डेटा हमें मिला है उसके बारे में शेयर करूंगा कि सो फार 3,000 केसेस में, अबाउट 3,000 केसेस में से 92% केसेज ऐसे विच वर मैनेज एट होम, होम केयर आइसोलेशन। दैट मीन्स दिस वेरियंट इज प्रॉब्ली वेरी माइल्ड वन, इट इज़ नॉट ए वेरी सीवियर वन। दिस इज जस्ट ए वेरी इनिशियल फाइंडिंग, थिंग्स मे चेंज इन फ्यूचर, बट सो फार वी से द मैसेज वॉज गिवन टू अस बाय द मिनिस्ट्री वार दैट प्लीज देर इज नो नीड टू पैनिक, बट एट द सेम टाइम इट वॉज कन्वे टू अस एट लोन डोंट लोअर योर गार्ड। और ओनली 15 से 18 पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 3% पेशेंट थे जो ICU में गए, उनको एनालाइज किया गया, कहते जो ICU में गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी मोस्टली वो पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, दैट मीन्स दोज वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम अदर सीवियर डिजीज, किसी को हाइपरटेंशन थी, किसी को डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, सब डायबिटिक्स को नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड थी, किसी को कैंसर था, मेलिग्नेंसी थी, किसी को किडनी फेलियर था, किसी को हेपेटिक फेलियर था, सीवियर फॉर्म, नॉट द कंट्रोल्ड वन। सो एक पैनिक ये भी खत्म होना चाहिए कि जिन सबको डायबिटीज़ है क्या सब वो ससेप्टेबल है, ऐसा नहीं है। सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज़ वेरी इन्फेक्टिव, जल्दी फैलता हो, बट मॉर्टेलिटी फर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, बट थिंग्स मे चेंज, इट इज़ वेरी इनिशियल। तो इसलिए हमें बोला गया कि अपने आप को गार्ड जो है ना, अपने आप को गार्ड पे रखिए, लोअर मत कीजिए। तो कुछ सजेशंस दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से, इनफैक्ट हमने SOP भी बनाया उसी बेस पे। पहली सजेशन दी गई कि दो टाइप की इलनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, एक कहते हैं ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सेकेंड इज SARI सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये दो कैटेगरी के इलनेसेज ऐसी हैं, सपोज़ किसी का गला ख़राब होता है, गले में खराश होती है, फीवर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, या छाती जाम है, खटखट कर रही है, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल OPD में डॉक्टर्स को मिलना है, दे शुड नॉट सिट एट होम। फीवर और सोर थ्रोट, माई अदर टीम मेम्बर्स विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस, इस पर ज़्यादा आपको बताएंगे। तो सेकेंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग खत्म ही हो गई थी बीच में, इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे, किसी किसी का कर रहे थे, तो दिस हैज़ टोटली चेंज नाउ, वी आर नाउ इंक्रीजिंग अ टेस्टिंग। अवर माइक्रोबायोलॉजी हेड विल ऑलवेज टेल यू, अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक RAT होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक होता है RT-PCR, दोनों की कितनी एक्यूरेसी इस पर ये भी आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए, जिसकी मैं बताऊँ हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर हरजीत बताएंगे फील्ड में कैसा है, GMC का पार्ट मैं बता पाऊँगा। तो हमने इनफैक्ट दो कियोस्क भी सेट किए हैं, एक होएगा GMC में, दूसरा होगा SMGS में, जहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट किए जाएंगी। और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है, वो भी बता दिया। थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क। अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं, जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, उसको मास्क ज़रूर पहने, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, डिफ्रेंशिएट मत कीजिए कि बुज़ुर्ग है उसी को पहनना है। मैं यंग हूँ, मेरा बेटा यंग है, वो डिजीज़ कैच कर घर में बुज़ुर्ग को देगा। तो मास्क इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता और इफ़ेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का। तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क ज़रूर पहने, सबसे सस्ता तरीका ये।
नेक्स्ट हमने किया कि दोस्त पेशेंट जिसको एडमिशन चाहिए होगी उसका क्या किया जाए, हमने SMGS में एज वेल एज GMC में अपने वार्ड आइडेंटिफाई कर लिए। आइसोलेशन वार्ड भी हमारे पास 30 बेडेड है और एक वार्ड नंबर 3 है। मेडिसिन हेड बताएंगे कितने बेड्स यहाँ क्रिएट किए गए, कितने पेडियाट्रिक्स में क्रिएट किए गए, डॉक्टर घनश्याम सैनी भी आपको इस बारे में बताएंगे, ताकि जो पेशेंट सिक है वो रिक्वायर्स एडमिशन इज इमीडिएटली एडमिटेड एंड गिवन बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो हमने डिसाइड किया है कि अपने ऑडिट करेंगे और कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे किसी भी हॉस्पिटल में। जो जो प्लांट ख़राब है उसको सर्विस किया जाएगा ताकि जितनी ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास हो तभी कोई भी मुश्किल ना आए, कोई ऑक्सीजन के अभाव में किसी को परेशानी ना हो। और मेडिसिंस का किया गया, जो जेके सप्लाई कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट की गई कि सारी मेडिसिन की रिक्वायर, इनफैक्ट बहुत कम मेडिसिन ज़रूरत होती है इसके बारे में। प्रिवेंशन और आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आई थिंक डॉक्टर फयाज बताएंगे आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है, मगर मैं ये बताऊं कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर गियर्ड अप और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले हमें मॉक ड्रिल करने की, वो भी हम करेंगे। सर एक पिछले हफ्ते भी आई थिंक जो विजिलेंस है वो इतनी अभी तक नहीं है कि हमें कोई ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, बट इसका कंसर्न वही है कि ये फास्ट फैल रहा है, दैट वाज द व्हाई, वो रीज़न है कि उसको अभी वेरिएंट ऑफ यू नो इंटरेस्ट करके डिफाइन किया हुआ है, अभी आगे टाइम बताएगा कि कैसा बिहेव करता है। मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा कि इसका अभी ट्रेंड कैसा जाता है, तो वो जो हमने पहले कोविड में मेजर किए थे, हो सकता है कि हमें उसके द्वारा से वो फॉलो करने की जरूरत पड़े। बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनको भी बहुत जल्दी वायरल जो है इफेक्ट करता है। अभी तक मैं ये आपसे शेयर करना चाहूंगा कि माय बहुत हुआ लाइक केसेस जो है काफ़ी देर से चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 month हो गया है, हमारे लोगों को 10-15-16 एडमिशन डेली हो रही है हमारे पास। और मैं ये शेयर करूँ कि हमने रेस्पिरेटरी आईसीयू एक सेपरेट कर दिया, 8 बेडेड वहाँ 16 बच्चे हम एडमिशन रखते हैं और उनमें से कुछ बच्चे वेंटिलेटर पर भी हमें डालने पड़े हैं, इतना सीवियर है। उन 16 में से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, 50% जो लेस देन 1 year है और बाकी जो है बड़े बच्चे हैं उनमें भी 1-5 के बीच में ज़्यादा बच्चे हैं। तो एक पेरेंट्स के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर किसी बड़े को इन्फेक्शन है, तो जुकाम है, खांसी है, तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए ताकि बच्चों को ना आए, क्योंकि उसका बच्चे क्यों एडमिट हुए, क्योंकि उनको डिस्ट्रेस हो जाता है, उनका सांस तेज चलना शुरू हो जाता है, वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए बच्चे कंटेन नहीं करते इन्फेक्शन, तो इसलिए उनको ब्रोंकाइटिस लाइक पिक्चर जो अभी काफ़ी बच्चों में हुई है, निमोनिया बहुत बच्चों में हुआ है, तो उसकी हम टेस्टिंग करवा रहे हैं इन्फ्लुएंजा की। अभी तक 2-3 ही अभी पॉजिटिव आए हैं, पॉजिटिव आए तो, बट हम इन्फ्लुएंजा, तो इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि बड़े बच्चे हैं साथ